वेलकम टू माई वीडियो। और आज पहला व्लॉग है और एक तरह से करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में छाया हुआ है, जो प्रोटेस्ट पे है, बिल पे है और जिस पे भी है। तो मैंने जब इसका कंक्लूजन टाइप निकाला, वैसे मैं को रहता हूँ कंक्लूजन निकालने वाला, बट एक सिचुएशन के हिसाब से जो देखा गया, इसमें तीन तरह के लोग हैं। एक तो वो है जो कहते हैं कि सभी का खून है शामिल इस मुल्क की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। एक वो है जो कहते हैं कि मोदी जी ने जो किया हो सही किया होगा। एक वो वाले हैं जो कहते हैं कह के लेंगे आज़ादी। अब तीनों में किसी की भी साइड लेना गलत है दोस्तों, और मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, और ना मैं आपको ये बताऊँगा कि इस बिल का मतलब क्या है और इसका समाधान क्या है, वो तो आप मेरे से बहुत अच्छी तरह ज़्यादा समझते हैं, और किसी चीज़ का समाधान नहीं दूंगा, पर इसकी रूट तक आपको लेके जाऊंगा। जितने भी आज तक महान थिंकर्स हुए हैं, लोग हुए हैं, हम एक्चुअली बहुत कम फॉलो करते हैं उन्हें, और हमें एक मैच्योरिटी लेवल के बाद ही पता लग पाता है कि वो बंदा कितना दूरदृष्टि वाला था, दूरदर्शनीय था, जो सब कुछ ही समझा गया था। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो नानक हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो विवेकानंद जी हो, चाहे वो ओशो हो। तो ऐसा जो है हो रहा है, बड़े लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। ऑफकोर्स जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी करंटली ज़्यादा इस लाइफ में इन्वॉल्व है, गर्म खून है, और जो पॉलिटिशियंस हैं पक्के पकाए सड़े दिमाग, और जो कुछ रेवोल्यूशनरी सोच वाले हैं, कलाकार हैं, अदाकार हैं, और जो सच में अपने डरे भी हुए हैं लोग, ऐसी बात नहीं, वो एक चीज़ नहीं समझ रहे कि ये आज की चीज़ नहीं है, ये हजारों सालों से चल रही है। डिवाइड एंड रूल कह लो इसको, या पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। अब इसका कारण ये है कि जो इंडिया का धर्म है, इंडिया की राजनीति से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इंडिया का कोई एक धर्म नहीं, इंडिया में बहुत धर्म है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें चलती रहती है। और आप देखिए, जब B.R. अम्बेडकर ने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो वो जगह जगह से लेके आए, आयरिश, अमेरिकन, ब्रिटिश, साउथ अफ्रीकन, मतलब हर अमेंडमेंट उसमें, हर चीज़ डली हुई है उसमें ऑलरेडी। तो इतना उन्होंने टाइम लेके लिखा होगा, कोई बुद्धिजीवी होंगे वो, और बिल्कुल होंगे है ही, उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से उसको लिखा, पर उसमें आज भी छेड़छाड़ हो रही है। अब वो दो कम्युनिटीज़ के चक्कर में हो रही है, पॉलिटिक्स के चक्कर में हो रही है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं, पर ये हज़ारों साल पहले लोग कह के गए हुए हैं। अगर आप पढ़ेंगे ओशो जी के प्रवचन, अगर आप पढ़ेंगे विवेकानंद जी, अगर आप पढ़ेंगे कोई भी महान थिंकर हो, वो यही है। जड़ उसकी क्या है कि उन्हें हमारा बटन पता है, उन्हें हिंदुओं का बटन पता है, उन्हें मुसलमानों का बटन पता है कि पिंच करने की देरी है और हम आपस में लड़ पड़ेंगे। वही जैसे हिरन के पीछे शेर, कभी शेर के पीछे हिरन, ऐसा कभी नहीं होता। बस तो कहने का मतलब यही है, उन्हें हमारे बटन पता है, और हम रिलीजियस सेंटीमेंट से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि हमारी आंखों पे बनती है पट्टी, और जगह जगह कोई भी दंगा भड़का सकता है फिर तो। क्योंकि अगर आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो उसमें कुछ शरारती तत्व हो सकते हैं, या बाहर से भी हो सकते हैं, या लाए भी जा सकते हैं। तो दंगा भड़काना ये कितनी पुरानी परंपरा है भारत में, ये ज़्यादा इसलिए होता है खासकर नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा सल्तनतें रही हैं, राज रही हैं, रियासतें रही हैं। तो इसकी ग्रास रूट बहुत यही है कि धर्म और पॉलिटिक्स मिक्स हो जाता है, तो ऐसा ही परिणाम होता है। हम इंसान को इंसान नहीं समझते, और हर कौम में ऐसे लोग हैं, ये नहीं किसी की एक में नहीं कहूँगा, ठीक है। अब दिक्कत ये है, कंक्लूजन कभी आपको राजनीति तो दे नहीं सकती, क्योंकि राजनीति तो इसके सर पे चल रही है, वो तो रोटी ही इस चीज़ से खा रहे हैं, तो तुम्हें तो वो लड़वाते ही रहेंगे ना। कंक्लूजन आप कैसे कर सकते हैं, आप इतने सादा लोगों को एक साथ बदलना भी बहुत मुश्किल है। अब कितनी आबादी है इंडिया की पता नहीं मेरे को, और हर एक का बदलना भी मुश्किल है, इसलिए अच्छाई बुराई दोनों ही दुनिया में चलती रहेंगी। पर मैं इतना कहूँगा कि किसी भी चीज़ से आपको इतना नहीं जुड़ना चाहिए कि आप उसके लिए दंगाई बन जाओ, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो, क्योंकि आपका भगवान या हमारा भगवान
या उनका भगवान, किसी का भगवान ये तो कह के गया नहीं कि बेटा मैंने तो इतने अच्छे काम करे, ये किया वो किया, और तुम यार तलवार लेके खड़े हो जाओ, डंडे लेके खड़े हो जाओ। सो थोड़ा सा लॉजिकल माइंड से सोचोगे तो ये तो कोई भी नहीं चाहता होगा। इसलिए धर्म को भी यहाँ तो रखो, या इसके बिल्कुल अंदर रखो, ये आस्था वाली चीज़ है, ये राजनीतिकरण वाली चीज़ नहीं है। और धर्म के चक्कर में ही सब कुछ हो रहा है, और धर्म को बदनाम कर रहे हैं वैसे ये लोग। धर्म से अच्छी चीज़ भी कोई नहीं हो सकती, और क्योंकि धर्म शक्तिशाली भी है, इसलिए शक्ति का दुष्प्रभाव दिख रहा है, जो कि लोगों की मानसिकता को खराब करता है, खोखला करता है, और देश के संविधान पे चोट मारता है। सुझाव कैसा लगा? कि किसी भी चीज़ से इश्क तो करो, पर इतना उसको अपने अंदर घुसने मत दो कि आप दंगाई बन जाओ। सुझाव सिर्फ इतना है, बाकी सरकारों से मुझे कोई मतलब नहीं। अमन और चैन की आशा करते हैं जी। और बस मैं ये चाहता हूँ कि पर्सनल मैसेज मेरा यही है, किसी को बदलना नहीं चाहता मैं, ना मैं इतना महान हूँ, बट ठीक है, बुद्धिजीवी कितने आए हैं उनको ही पढ़ लो आप तो बहुत हो जाएगा, और फिर आपको अपना रास्ता खुद दिख जाएगा। फिर आपके आगे जो सियासत हो रही होगी, फिर आप हिंदू मुस्लिम होके भी नहीं सोचोगे, फिर आपके आगे टीवी पे जो आ रहा होगा आप खुद ही छाट लोगे, या आप सोसाइटी में जो भी ख़राब तत्व होंगे आप खुद ही छाट लोगे। फिर आपके मुझे सिर्फ हक की बात ही, सच्ची बात ही, और यूनाइट करने वाली बात ही निकलेगी, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सोल्यूशन सिर्फ प्यार ही है। लव इज़ द ओनली सोल्यूशन। आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी सियासत हो जाए, कितने भी प्रोटेस्ट हो जाए, कितने भी बसें जला ले लो, कहीं नहीं जाने वाला। ये चीज़ें हजारों साल से चल रही हैं और अभी भी चल रही हैं, और ये कई का बहुत पहले लोग कह गए, ये सेम चीज़ें दोबारा रिपीट होती रहती है इस यूनिवर्स में। और इसमें कई लोगों का भला होता है, कई लोग फेमस हो जाते हैं, कई लोगों को शायद स्पिरिचुअली फ़ायदा होता हो, कई लोगों को फाइनेंशियल फ़ायदा होता हो। सो एवरीथिंग इज़ अ ट्रैप। सुझाव देने लायक तो मैं नहीं हूँ, बाकी अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, आपके सुझाव पढ़ूंगा और उस पर रिप्लाई करूंगा। आप मेरे को मेरे पुराने चैनल से जानते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए, और आगे से यहीं पे मैं ब्लॉग्स डालता रहूँगा और सारी बातें आपसे कंटिन्यू करते रहेंगे। और हम इंडिया में रहते हैं और पूरे दुनिया में ही कुछ ना कुछ होता रहता है, तो बातें तो कभी ख़त्म नहीं होगी। आपका प्यार ज़रूर चाहिए मेरे को, और प्यार देते रहिए, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। थैंक यू, कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा।